खंडवा जिले की सबसे बड़ी श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के फलदार फूलदार साजसज्जा, इंडोर आउटडोर औषधि पौधे, सभी प्रकार के खूबसूरत पाम ट्री, सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला, नवविकसित कॉलोनियों के गार्डन प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य, खेतों में फलदार पौधों के बगीचे लगाने हेतु संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, भंडारी पब्लिक स्कूल व सोनी गोडाउन के पास। मध्य प्रदेश के खंडवा में निमाड़ के मुकाबले केसेस ज़्यादा आ रहे थे। आपको बता दें कि मांधाता विधायक नारायण पटेल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम अटेंड करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने कल शाम को कोरोना टेस्ट कराया और रात को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने उनके संपर्क में आए लोगों से अपील की है कि वह भी एक बार एहतियात के तौर पर टेस्ट करा लें। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वह गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद शाम को उनकी तबीयत जब उन्हें ख़राब लगने लगी तो उन्होंने शाम को टेस्ट कराया लगभग 7-8 बजे और 10 से 11 बजे के बीच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब उन्हें पता लगा और फिलहाल वह होम आइसोलेट हैं। उन्होंने इस बात का खंडन किया। योगेश शर्मा ने भी इस बात का कंफर्मेशन किया है कि उनकी जो टेस्ट है वह कल शाम को किया गया था, इसलिए उन्होंने भ्रामक खबरों की तरफ ध्यान ना देने की बात कही है। इसके अलावा आपको बता दें, जिले में पिछले 2 दिन में लगभग 200 पॉजिटिव केस आए हैं और अच्छी बात यह है लगभग 250 लोग रिकवर होकर ठीक भी हो गए हैं। अब जिले में 520 एक्टिव की संख्या है और 2 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं और अपना घर पर इलाज करा रहे हैं। रिकवरी की जो संख्या है वो अब पॉजिटिव से ज़्यादा होने लगी है, हालांकि किसी दिन बीच बीच में केसेस ज़्यादा भी आ जाते हैं। निमाड़ के अन्य जिलों के मुकाबले खंडवा में केसेस ज़्यादा हैं, हालांकि ये मौसम भी ऐसा है जिसमें वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। गाँव गाँव गली गली में बुखार सर्दी खांसी है, कभी ठंड हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, ऐसे में वायरल जो है वह काफ़ी फैला हुआ है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोरोना के लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो सैंपल देने में कोई बुराई नहीं है, कम से कम एहतियात के तौर पर अपना ध्यान रखने के तौर पर सैंपल दिया जा सकता है ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। वायरल है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोरोना है तो हालांकि ये कमज़ोर हो गया है परंतु फिर भी ये वायरल के मुकाबले ज़्यादा परेशान करता है शरीर को। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको लगता है कि लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं और ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि शरीर आपको बताता है, तो ऐसी स्थिति में लापरवाही ना करें। इसके अलावा क्योंकि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसका जो प्रभाव है वो कम ज़रूर हुआ है, इसका जो खतरनाक वेरिएंट है वो अब जा चुका है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, मास्क लगाएं और ज़रूरी हो तो ही मार्केट में भीड़भाड़ में निकलें, नहीं तो अवॉइड।